नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन न्यूज। इस वक्त आपके साथ मैं दिव्या अग्रवाल। इस वक्त हम मौजूद है वर्ल्ड चैंपियन न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको हर एक खबर से अवगत करवाते हैं। इस वक्त की जो खबर है वो मंदसौर से है। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में कल दोपहर 3 बजे से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं आपको बता दें कि मंदसौर जिले में दोपहर से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण से शिवना नदी भी उफान पर आ गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवना नदी रात को 12 बजे से ही उफान पर आ गई है, जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति भी हो गई है। वहीं आपको साथ ही बता दें कि कपेश्वर मंदिर में पशुपतिनाथ भगवान का भी जल अभिषेक हो गया है, जिसको देखने के लिए काफ़ी लोग भी उमड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मंदसौर में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण से पशुपतिनाथ भगवान का भी जल अभिषेक हो गया है, जिसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। वहीं मंदसौर के विधायक भी सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में ही रहें। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं ये जो अपील है वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मंदसौर में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसको देखने के लिए लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं व सोशल मीडिया पर काफ़ी अपने वीडियो भी वायरल कर रहे हैं, जिसके कारण से मंदसौर के विधायक भी लोगों से अपील भी कर रहे हैं। वहीं साथ ही आपको बता दें कि मंदसौर जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण से मंदसौर जिले की कई निचली बस्तियाँ हैं जहाँ पर पानी घुस गया है। वहीं कई कॉलोनी वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके कारण से तहसीलदार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से निरीक्षण कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच में शिवना नदी में एक कार फंस गई है, जिसका सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो चल रहा है। आपको बता दें कि ये जो घटना है ये मंदसौर जिले की देर रात्रि की घटना है, जहाँ पर एक कार चालक कार है वो शिवना नदी में उतर गई थी, जिसके कारण से वहाँ पर काफ़ी लोग जो उस कार को निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रात को बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी, वो शिवना नदी में काफ़ी पानी घुस गया था, जिसके कारण से ये लोग जो है कार को नहीं निकाल पाए हैं। वहीं एक कार चालक की भी मतलब कि बाढ़ में बह जाने के कारण से उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन वे भी उसकी भी जान बच गई है। आपको बता दें कि वहीं पूरी बाढ़ से स्थिति कम होने के बाद में ही कार के लोगों ने इस कार को बाहर निकाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर किस तरीके से कार चालक की जान जाते जाते बची है। लगभग 4 इंच बारिश मंदसौर ज़िले में हुई है, और जो गांधी सागर का कैचमेंट का इलाका है या शिवना चंबल का कैचमेंट इलाका है, उस कैचमेंट के इलाके में जैसा आपको पता है कि इंदौर और उज्जैन के लगभग सभी ज़िलों में बहुत तेज़ बारिश हुई है, और उसमें से बहुत सारा रन ऑफ वाटर मंदसौर ज़िले में आता है, तो उसका असर मंदसौर ज़िले के लगभग सभी नदियों पर पड़ रहा है। हमारे सभी इरीगेशन के तालाब भरने की स्थिति में हैं, सारे जो नदियां हैं वो भर गई हैं, और उसके जो रन ऑफ वाटर है और उसकी जो निचली बस्तियां हैं उस पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हमारी SDRF की टीम और होमगार्ड की टीम और पुलिस और रेवेन्यू की टीम राहत और बचाव के लिए अपने अपने इलाकों में पिछले साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। हम COVID-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करने के लिए लोगों को ताकीद कर रखा है, ताकि अगर कोई राहत का कैंप लगता है तो उसमें COVID-19 के प्रोटोकॉल के हिसाब से एक तो कम लोगों को रखें, लोगों को स्क्रीनिंग करके उसको रखें, और जहां कहीं भी आवश्यकता हुई तो हम राहत शिविर में ही हेल्थ कैंप भी लगाएंगे और लोगों का वहीं मौके पर इलाज भी करेंगे। गांधी सागर में अभी जो लेटेस्ट है तो लगभग 1300 फीट पानी आ गया है, और जो नया प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम गेट ऑपरेशन 1304 से 1305 के बीच में शुरू करेंगे। जिस तरह का कैचमेंट में पानी हो रहा है, लगभग 3 लाख क्यूसेक मीटर पानी लगातार वहाँ आ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल सुबह या दोपहर तक गेट ऑपरेशन के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। हम लोगों ने रेवेन्यू और पुलिस के ऑफिसर को ये ताकीद किया है कि अगर कोई इस तरह की लापरवाही करता है और समझाने पर भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। 144 ऑलरेडी ऑपरेटिव है नदियों के ऊपर या पुल पुलिया के ऊपर से पानी होने की स्थिति में बाहर निकलने के लिए, तो हम न केवल मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बल्कि सब्सटेंशियल धाराओं में भी हम केस दर्ज करने से नहीं चूकेंगे। तो आपने देखा कि मंदसौर में अभी किस तरीके से हालात बारिश को लेकर चल रहे हैं। वहीं मंदसौर जिले में अभी तक 4 इंच बारिश भी हो चुकी है। तो ये था अभी तक मंदसौर को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए वर्ल्ड चैंपियन न्यूज़ पर और लगातार देखते रहिए वर्ल्ड चैंपियन न्यूज़। धन्यवाद।